सोलापुरात गणेश हॉल रेल्वे कॉलनीत भर दिवसा घरफोडी झाली असून चोरट्यांनी पोलिसांना चॅलेंज दिल्याचे दिसून येत आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये या घरफोडीने भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सोलापूरच्या रेल्वे कॉलनीत भर दिवसा घरफोडी, चोरट्याने 3 घरे फोडली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरले भीतीचे वातावरण. पहा सोलापूरच्या गणेश हॉल रेल्वे कॉलनीत भर दिवसा काय घडलं तो ग्राउंड रिपोर्ट. मैं मुकेश कुमार झा, TTI सोलापूर, RB2 4/91 रेल्वे कॉलोनी सोलापूर में रहता हूँ. मैं 12:30 बजे फैमिली के साथ में नवीपेट मार्केट कुछ काम से गया था. उसके बाद पुनः मैं रेलवे हॉस्पिटल में कुछ काम से गया था. उसके आने से पहले बबलू कुमार जो कि हमारे सामने के में रहते हैं, उनका क्वार्टर नंबर RB2 4/93 है. उन्होंने मुझे फ़ोन से सूचना दिए कि आपके रूम का, मेरे रूम का और एक सेकेंड फ्लोर के रूम का ताला टूट गया, आप जल्दी से जल्दी अपने घर पे आइए. आने के बाद मैं देखा कि मेरे रूम का ताला और हमारे सामने वाला का रूम का ताला और नीचे वाले का ताला, तीनों का ताला टूटा हुआ. घर के अंदर प्रवेश करने के बाद मैं देखा कि मेरा गोदरेज पूरा खुला हुआ, गोदरेज का सारे सामान यत्र तत्र पड़ा हुआ. फिर मैं भागे भागे यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनको सूचित किया. आपको कब पता चला है? मुझे 2 के बाद ये मालूम पड़ा. फोन के द्वारा हमारे पड़ोसी ने सूचना दिया कि ऐसे ऐसे हमारे भी रूम का ताला, आपके रूम के भी ताला और नीचे के भी रूम के ताला ऐसा ऐसा टूट गया, आप जल्दी घर पे आइए. आपके घर में चोरी हुई, क्या क्या गया है सामान? फिलहाल मैं बारीकी से चेक नहीं किया हूँ. पूरा गोदरेज का सामान यत्र तत्र पड़ा हुआ है. अभी फिलहाल तो मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कैश गया है, गोल्ड नहीं, कैश नहीं गया है, गोल्ड नहीं गया है. लेकिन अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि मैं क्या गया नहीं गया, क्योंकि फोरेंसिक लैब वाले और डॉग वाले भी आने वाले हैं. उन्होंने बोला अभी किसी चीज में हाथ नहीं लगाने, इसलिए मैं अभी हाथ नहीं. घर में कौन कौन रहते हैं? घर में मैं और मेरी फैमिली और 2 बच्चे रहते हैं. तो अभी ये दिन दहाड़े हो गए? दिन दहाड़े हुई, यानी 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच की ये पूरी घटना है, दोपहर की घटना है. आज की घटना है, अभी की घटना है. मेरा नाम बबलू कुमार यादव है और मैं TTI सोलापुर में हूँ. मेरे घर में 10 बजे हॉस्पिटल गया था, मेरा पैर का कुछ प्रॉब्लम था. मैं गया था तो वहाँ से चेकअप वेकअप करा करके जब मैं समथिंग 2 बजे आए तो मैं देखा नीचे से ही कि मेरा रूम खुला हुआ है. मैं सोचा कोई दोस्त वगैरह हुआ. मैं अंदर जाके देखा कपाट पर सब खुला हुआ है. मैं जब से आकर के मैं देखा हूँ लॉकर, ये लॉक टूटा हुआ था. जस्ट मैं देखा तो मैं इधर भी खुला था ऐसा ही. तो मैं इनको बोला कि जाके देखता हूँ, कोई होगा तो मैं पूछता हूँ क्यों टूटा है. देखे इधर भी ऐसा ही पड़ा हुआ है. तो मैं जस्ट इसको फोन लगाया तुरंत कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप कहाँ? तो मैं वो बोला हॉस्पिटल में हूँ, मैं जस्ट आ रहा हूँ. तो आए तो सब देख रहे हैं ऐसे पड़ा हुआ है. तो फिर मैं कुछ छुआ हुआ नहीं, डायरेक्ट मैं कंप्लेन करने गया. कुछ वॉचमैन वगैरह नहीं है इसे रेक आपके यहाँ? नहीं, वॉचमैन नहीं. वॉचमैन नहीं, CCTV वगैरह नहीं. क्या आपका क्या कुछ गया है माल? हाँ, समथिंग कैश है, 10,000 था समथिंग था, और एक रिंग है. हाँ, माझं नाव बालाजी आहे. मी इथं सोलापूर रेल्वे स्टेशनला लोको पायलट आहे, सहायक लोको पायलट. मी 10:30 रेग्युलर ड्युटी गेलो. त्याच्यानंतर मला साधारणतः आत्ता 2:30 मित्राचा फोन आला की इथं आधी एक मुलगा राहत होता, त्यांचा ओळखीचा वरती होता. त्यांनी त्याला कॉन्टॅक्ट केली की तुझ्या इथं खालच्यांना सांग की तुझं गेलेलं आहे. मग खाली बघितल्यानंतर मग परत मी लगेचच आलो. साधारणतः 15 मिनिट लागले यायला. ते बघितलं तर सगळं उघडं होतं. मग मी पण व्हिडिओ करून ठेवलं सगळं अस्ताव्यस्त आहे. ते तुम्ही पण बघितलेलं आहे. काय मुद्देमाल गेला? मुद्देमाल हे ते छोटे मोठे तर केलेले आहेत, जवळपास 2,500 रुपये तर होतेच. म्हणजे आपण लमसम ते बघावं लागतं. मी पण शुअर नाही आहे अजून, मला जर बघावं लागेल कारण ते गडबडमध्ये लगेच कडी तुडले. म्हणजे हे मी इथं कुलूप लावलेलं होतं आणि हे जे आहे ना ते कट केलेलं आहे. यापूर्वी कधी? याच्या आधी एकदा झालं होतं माझं. तुमच्या? हा, माझंच एकदा झालं होतं. मी याच्या आधी सदर बाजार पोलीस स्टेशनला दिलेलं होतं. हेच 88/94 ह्याच्याच पलीकडच्या बिल्डिंग मध्ये झालं. काय तपास लागला? त्याचा काही नाही, त्यांनी काय केलं. काय गेलो होतं त्यावेळेस? त्यावेळेस पण असंच 1,000-1,500 गेलं. टोटल 3 घरात चोरी झाले ना? टोटल आता सध्या 3 आहे, 88 खालचे आणि वरचे 2. टोटल पोलीस आलते? हा, पोलीस येते येऊन गेले. कोण कोण राहते घरात? घरात आम्ही दोघं राहतो, मी आणि माझे घरचे.